माधवेश्वर प्रसवस्थी जो तालाब है उसमें नौका विहार चल रहा है। श्यामा मंदिर न्यास समिति के द्वारा इसे आदेश दिया गया था कि नौका विहार करें, उसके बाद लॉकडाउन हो गया जिसके कारण नौका विहार बंद हो गया। पुनः यह नौका विहार चालू हुआ है। जब इसके संचालक वरुण कुमार से जब हमने बात की कि आप किस के आधार पर यह नौका विहार कर रहे हैं, तो उन्होंने बिहार सरकार के एक गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है उसके तहत हम नौका विहार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी इसमें लबालब पानी भरा हुआ है। जब हमने पूछा कि यह श्यामा मंदिर न्यास समिति के द्वारा आपको दिया गया था नौका विहार के लिए, तो क्या आपको वहाँ से कोई आदेश मिला है, तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई आदेश नहीं है, हम बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है उसके तहत हम नौका विहार कर रहे हैं। इस संबंध में इसके संचालक ने क्या कहा आप स्वयं सुनेंगे। वहीं इस संबंध में जब हमने श्यामा मंदिर न्यास समिति के प्रबंधक चौधरी हेमचंद्र राय से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमने इन्हें कोई लिखित आदेश नहीं दिया है, हमने कहा है कि बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है उसके तरह आप चलावें, लेकिन हमने कोई लिखित आदेश नहीं दिया है। इन लोगों ने क्या कहा आप स्वयं सुने, दरभंगा दर्शन से मनोज झा। वोटिंग को लेके तो नहीं है, लेकिन उद्यान और पार्क को लेके नीतीश कुमार जी ट्वीट किए हुए थे आपको कि उद्यान और पार्क आपको खुला जा सकता है, लेकिन आप वोटिंग आप चला रहे हैं, बात कर रहे हैं स्विमिंग अंतर तो बहुत नहीं, देखिए सब तो पानी से ही रिलेटेड है। जब 50% के साथ स्विमिंग पूल चल सकता है, 50% के साथ जिम चल सकता है, तो हम लोगों का तो फिर भी बोट पे डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस भी मेंटेन होता है क्योंकि सब सटा हुआ तो एक दूसरे से है नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, पानी तो लबालब भरा हुआ है। हाँ तो उसके लिए हमने लाइफ जैकेट दिया, बिना लाइफ जैकेट के मेरा कोई भी आदमी बोट में नहीं बैठ सकता है तैरना जानते। अच्छा कोई किस तरह से मिला हुआ है ये आपको वोटिंग के लिए? वो हमने मंदिर से परमिशन लिया हुआ है, तो मंदिर के जो कोर कमेटी के जो आपको सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, मैनेजर हैं, उनके जो भी लोग सब हैं उन लोगों से, डॉक्टर कमलाकांत झा जी हुए, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी हुए, तो अध्यक्ष सचिव इन लोगों से हम लोगों ने परमिशन ली। अभी आपको लिखित आदेश मिला है कि आप वोटिंग चलावें? नहीं, हम लोगों तो बिहार सरकार के गाइडलाइन को जिस तरह से हम लोग पेपर पढ़ते उस हिसाब से हम लोगों ने चालू किया। वोटिंग का तो कोई गाइडलाइन नहीं मिलता। श्यामा मंदिर प्रबंधन तरफ से आपको कोई आदेश मिला है कि पुनः वोटिंग चालू करें? हम लोगों से परमिशन लेके हम लोगों ने शुरू। कौन दिया परमिशन आपको? मंदिर के ही जो कुछ लिखित मिला या मौखिक? देखिए इसमें मौखिक या लिखित वाली बात नहीं, बात तो बिहार सरकार दे रही है, तो बिहार सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक। जी जी, जिस तरह से बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मार्केट खुल रहा है, रेस्टोरेंट खुल रहा है या बसें चल रही है 50% कैपेसिटी के साथ, उस तरह से हम लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? वरुण कुमार त्रिगुणा। क्या है आप इसमें? हम ही इसके ऑनर है, हम ही ने दिया हुआ। धन्यवाद। गाइडलाइन के हिसाब से हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? तो लॉकडाउन था, बिहार सरकार का जो सर्कुलर है उसी सर्कुलर को 50% क्षमता के साथ स्विमिंग पूल वगैरह को खोला गया है, उसी आधार पर संचालन व्यवस्था चल रहा है। कहीं ना कहीं ये स्विमिंग पूल से अलग है और ये नौका विहार है, क्योंकि स्विमिंग पूल और नौका विहार चूँकि तालाब में ही सारी व्यवस्था रहती है, स्विमिंग पूल का भी उसी दृष्टिकोण से चलाई जा रही है। तो क्या इस बात की जानकारी आप अपने जिला पदाधिकारी को दे चुके हैं जो न्याय समिति के अध्यक्ष होते हैं? न्याय समिति के तो अध्यक्ष रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस एन झा जी है। तो यहाँ के जो सचिव, तो बिहार सरकार की जो गाइडलाइन है, बिहार सरकार की गाइडलाइन समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जो जानकारी होती है उसी जानकारी के तहत लोग उसका गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। अभी नया कोई निर्देश हम लोगों को ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है। चूँकि आपके द्वारा ही वो नौका विहार दिया गया है, तो आपने कोई आदेश दिया है कि ठीक है पुनः नौका विहार चालू करें? बिहार सरकार की गाइडलाइन जो पेपर में निकली है या सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो हम लोगों को सिर्फ जानकारी दिया जिस तरह का है उसी आधार पर वो संचालन व्यवस्था कर रहा है। तो आपने अपने प्रबंधन समिति को किसकी जानकारी दे दी है? हमारे जो पदाधिकारी है उन लोगों को जानकारी है। जानकारी क्या ना?